Dear students, Assalamu Alaikum. Hope you all will be fine and safe at your homes. Here we are with another video of science, video number four from the unit number one characteristics in life processes of living organisms. The topic we are discussing here is biodiversity. What is biodiversity? जब आप किसी पार्क में चले जाओ आप किसी डेजर्ट को अगर देखें डेजर्ट को अपने जहन में रखें या अगर आप किसी सी रिवर स्ट्रीम्स या किसी पॉइंट को आप अपने जहन में रखें एक पार्टिकुलर एरिया की बात करें एक पार्टिकुलर प्लेस की बात कर रही हूँ तो आपको वहाँ पर जो है बहुत सारे टाइप्स के जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो दिखाई देते हैं बहुत सारे टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स या जानदार चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ पर दिखाई देते हैं लेट सपोज़ हम किसी पार्क में चले जाते हैं वहाँ पर हमारे इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे प्लांट्स हैं वहाँ पर हमारे इर्द गिद जो है वो बहुत सारे एनिमल्स हैं बर्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो नम बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको जो है वो मिलती है तो the number of types of the living organisms living things present at a particular place is called biodiversity bio ka matlab hai life biodiversity jo hai wo do words se milkar bana hua hai bio means life and diversity means variety so किसी भी एक ख़ास जगह पे जितनी भी तादाद में living things पाई जाती हैं उसको हम कहते हैं biodiversity. क्या कहते हैं हम उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं अब समंदर है समंदर में देखें बहुत सारे टाइप्स के फ़िश पाई जाती हैं बहुत सारी जो है टाइप्स की मछलियाँ वहाँ पर आपको नज़र आती हैं जिसमें कि स्टार फिश हैं गोल्डन फ़िश है ट्राउट है डॉल्फिन है शार्क है एट्सट्रा वेल्स हैं तो समंदरों में तो ये सब टाइप के फ़िश जो हैं वो पाई जाती हैं इसके अलावा जो है बहुत सारी टाइप्स के वहाँ पर जो है वो एक्वेटिक या पानी में पाए जाने वाले पौधे जो हैं वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ठीक है ना तो ये जितने भी टाइप्स के प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं वो वहाँ पर एक ख़ास जगह के ऊपर मौजूद होते हैं उस तमाम को मिला कर जो उनकी तादाद होती है उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी मतलब जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं उनमें एक बहुत ज़्यादा वराइटी जो है वो पाई जाती है वाइटी हम कहते हैं ना कि वाइटी जो है वो एक मतलब चेंज डिफरेंसेस, फ़र्क बहुत सारा तादाद में चीज़ें उसको हम वैरायटी कहते हैं ठीक है तो ये जो है ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है ये बायोडाइवर्सिटी कहलाती है अब बायो क्यों क्यों अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्मों की लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्रिएट की हैं क्यों अल्लाह ताला ने मख्त किस्म की चीज़ें जो हैं वो पैदा की हुई हैं मुख्तफ़ किस्म के प्लान्ट पैदा किए हैं मुख्तलिफ़ के बर्ड्स एनिमल्स जो हैं वो पैदा किए हुए हैं तो क्या इसमें हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के हर काम में पीछे जो है वो कोई मसलहत होती है कोई राज होता है बेहतरी होती है तो इसमें क्या बेहतरी हो सकती है बहुत सारी बातें हैं इसके लिए जिनको कि हम अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसमें सबसे पहले जो है वो है हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड वरायटी ऑफ फ़ूड का की एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको इस तरह से दूंगी कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप स्कूल से घर गए आपने मम्मा से पूछा कि क्या खाना जो है वो आपके लिए रेडी किया हुआ है तो वो आपको लेट्स सपोज वो आपको कह रही हैं कि जी चले राइस बना दिए हैं या मीट बना दिया है या चिकन बना दिए अगले दिन फिर आपकी मम्मा ने आपके लिए वही चीज़ बना दी उससे अगले दिन फिर आपके लिए जो है वो वही चीज़ जो है वो बना दी गई तो तीन चार दिन आप एक चीज़ खाएंगे तो आप आखिर उससे तंग हो जाएंगे बोर हो जाएंगे है ना होगा ना ऐसा तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें पैदा की हैं जिनमें मुख्तफ किस्म के पौधे वेजिटेबल्स फ्रूट्स हम चिकन खा सकते हैं हम मीट खा सकते हैं हम एग्स खा सकते हैं हम वेजिटेबल्स सब्जियां खा सकते हैं हम पल्सेस दालें जो हैं वो खा सकते हैं तो ये तमाम जो है वो वैरायटी है तो बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमें मुख्तलिफ किस्म के खाने खाने को मिलते हैं वैरायटी ऑफ फ़ूड जो है वो हम ले सकते हैं सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसका है वो है प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन इट मीनस के देखिए हम जब बीमार होते हैं हम आप बच्चे बड़े कोई भी तो उसके लिए हम मेडिसिन यूज़ करते हैं हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको दवाई लेके देते हैं ना आपको मसलन फ़ीवर है या आपको जो है गला ख़राब है या चेस्ट इन्फेक्शन है या बॉडी में कहीं पर कोई आपको पेन हो रहा है आपका सर दुख रहा है तो इन सारी बातों के लिए आपको क्या करना पड़ता है आपको मेडिसिनस खानी पड़ती हैं तो वो मेडिसिन जो हैं वो डिफ़रेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स से बनती हैं या इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स मटीरियल जो हैं बज दफ़ा वो भी उसमें मेडिसिन को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो आम... यही है कि इसकी इंपॉर्टेंस एक और ये भी हो गई कि बहुत सारे टाइप्स के मेडिसन्स जो तो हैं वो इनकी वजह से बनते हैं इसके अलावा इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। इंडस्ट्रियल मटेरियल्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मुख्तु किस्म के कारखानों में बनते हैं जैसे कि पेंट्स हैं जिनको जैसे कि पेंट्स हैं हमारे पास कलर्स हैं या इसके अलावा हमारे पास जो हैं जो आते हैं सीमेंट वगैरह आती है स्टील आती है तो ये तमाम चीज़ें जो हैं या इसके अलावा देखें और वह हो सकता है वुड जो कि हमें प्लांट्स हासिल होती है, वो हम बिल्डिंग्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं हम उसको जो है वो फर्नीचर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो ये सारा जो है ये बायोडावर्स में आता है उसकी वजह से कि की होने की चीजें होने वजह से हम अपने चीज़ेंटेंट को दूँ आर हमारे पाकिस्तान में, सिर्फ, सिर्फ में uh, प्लानी थ्री टाइप्स के एनिमल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं तो ये सारी जो थी इम्पोर्टेंस थी कि क्यों अल्लाह ताला ने जो है मुख्तफ किस्म के पौधे और जानवर जो हैं वो पैदा किए हैं तो जिसको कि हम बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं बहुत सारे टाइप्स के ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं वो हमारे पास हैं जिनको कि हम एक्सटिंक्ट कहते हैं अब एक्सटिंक्ट जो है वो क्या होता है लिविंग थिंग्स दैट नो लॉन्गर लिव्स एनी वेयर ऑन द अर्थ आर कार्ड एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज़म्स वो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारी ज़मीन के किसी भी हिस्से में अब वो मौजूद नहीं हैं मतलब कि जिंदा नहीं है उनकी कोई भी स्पीशीज़ जो है वो मौजूद नहीं है तो उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स ठीक है और दूसरा जो है वो है हमारे पास एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज़म्स वो लिविंग थिंग्स जो कि ख़त्म होने के करीब हैं जिनकी जनरेशन जिनकी स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं उनको हम कहते हैं एंडेंजर्ड अब क्यों ख़त्म होने वाली हैं क्या ऐसे रीजनज़ हैं ह्यूमन बींग्स इंसान जो हैं वो उन स्पीशीज़ के ऊपर उन लिविंग थिंग्स के ऊपर किस तरह से असरअाज़ हो रहा है किस तरह से उनको अफेक्ट कर रहा है कि जिसकी वजह से कोई स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं ख़त्म हो चुकी हैं या फिर वो ख़त्म होने के करीब हैं एंडेंजर्ड हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं वो एक्सटिंक्ट और जो ख़त्म होने के करीब हैं वो इंडेंजर्ड क्या ऐसे पॉइंट्स हैं क्या ऐसे हैं जिसकी वजह से कि ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं या वो ख़त्म हो चुके हैं पहला पॉइंट तो इसमें यह है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट आप उनकी रहने की जगह को ख़त्म कर दो जैसे जंगलों में रहते हैं अगर कोई चीज़ें कोई एनिमल्स जंगलों में हैं तो आप उनका जंग जंगलात वहाँ पे ट्रीज़ को कट कर दो वहाँ पे लैंड को क्लियर कर दो तो उसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट दूसरा है चेंज ऑफ क्लाइमेट अब चेंज ऑफ क्लाइमेट में क्या है के मौसम जो है वहाँ का तब्दील हो जाए अब कोई बारिश की अगर किसी प्लांट को जरूरत है वहाँ पे जो है वो पानी उसको अवेलेबल ना हो तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि वो वहाँ पे ख़त्म हो जाए इसके अलावा जो है वो अगर कोई ऐसा प्लांट या कोई ऐसा एनिमल है जिसको कि ज़िंदा रहने के लिए आ कम टेंपरेचर की ज़रूरत है या ज़्यादा टेंपरेचर की ज़रूरत है और वहाँ का टेंपरेचर जो है वो इसके ऑपोजिट हो जाए तो ये रीज़न हो सकता है कि आ वो स्पीशीज़ वो लिविंग थिंग जो है वो उसकी जनरेशन ख़त्म हो जाए या फिर अगर ये हो सकता है कि पानी ना मिले उनको स्कैसिटी ऑफ वाटर का मतलब पानी ना मिले उनको तो ये सारी बातें हैं जिनकी वजह से कोई जनरेशन जो है कोई लिविंग थिंग्स जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं या ख़त्म होने के करीब होते हैं सो डियर स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक बायो डाइवर्सिटी इस वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से देखें इसको सुनें इसको समझें और आप जो है इसको ये आपको जून के टास्क में अपना काम कंप्लीट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी और तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफ़िज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ